Okay, good morning everyone. Audible to all of you? Okay, so first of all, I would like to thank the management of Badi University, especially the HOD ma'am, for giving us this opportunity to give you this session, this workshop related to all the career options which are available for all of you. Especially, I think majority are from the electrical branch here, right? Electrical, na? It is double E, not triple E. It is double E, na? Electrical engineering. And I think some students are also from civil engineering. Civil engineering ke bhi hai yahan pe? You are from civil engineering? Okay, you are from civil engineering. Okay. So, first of all, I would like to tell you that what is the purpose of this interaction. As I already told you, ki mera ye interaction karne ka purpose hai ki what all career options are available with you after you graduate from BTech in electrical engineering. क्योंकि देखो होता क्या है कि हमें प्रॉब्लम एक ऐसी आती है कि जब एक स्टेज आता है कि मैंने बीटेक कंप्लीट कर लिया, अभी तक आप लोग जो यहाँ पे पहुंचे हैं वो एक रैट रेस के कारण पहुंचे हैं कि मेरे को नहीं पता कि आप लोगों का रीजन क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का. लेकिन अगर आप उसको सोचेंगे ना कि मैंने क्यों ज्वाइन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो अगर किसी का वो 10 से 15% या 15 से 20% ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसका जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर डोमेन में इंजीनियरिंग करनी है या मेरे को ये क्यों करना है या इसके बाद मेरे को अपना करियर किस डायरेक्शन में लेके जाना है, 15-20% से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं. अब मेजोरिटी जो बच्चा किसी भी चीज को फॉलो करता है वो रैट रेस के कारण फॉलो करता है कि ठीक है 10+1 2 में आपने इंजीनियरिंग प्लस इसमें नॉन मेडिकल किया तो क्यों किया, कुछ फ्रेंड्स कर रहे थे या फादर ने बोला या कुछ और कर रहे थे, कहां पे एडमिशन ले, किसी ने ऐसा कर लिया, तो कुछ ये ट्रेंड फॉलो करते हुए अभी तक हम लोग यहां पे पहुंचे हैं. अब इसके बाद का जो ट्रेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद का जो पाथ है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हो. अभी तक +1 +2 में आपका कितना अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया नहीं मैटर करेगा, 10th में कितना है परफॉर्म कैसा किया नहीं मैटर करेगा. लेकिन अगर ये वाला जो स्टेज है बीटेक के इमीडिएट पास होने वाला, अगर ये वाला जो टाइम आपने अच्छे तरीके से निकाल लिया, मैं स्टार्ट करूंगा थर्ड ईयर से, थर्ड ईयर फाइनल ईयर उसके बाद के 2 साल, ये 4 साल एक ऐसे साल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए. क्योंकि ये वो 4 साल है जिसमें आपको अपने इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अपना टेम्परामेंट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बड़ा सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने आप को उस रैट रेस में मत लेके जाना कि ठीक है मेरे को प्लेसमेंट है या ये चीज है, मतलब वो रैट रेस को मत फॉलो करो यार, वो ट्रेंड मत फॉलो करो, थोड़ा उससे बियॉन्ड सोचो. ऑल्दो कि जो उससे बियॉन्ड इसका पार्ट है, लेकिन आप लोगों को शायद उन चीजों के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है कि अगर सपोज मेरे को ये चीज अगर कोई बता रहा है कि अगर ये मास्टर्स की बात कर रहे हैं, एमटेक की बात कर रहे हैं या अब्रॉड की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके आगे का करियर कैसे है. अभी तक शायद हमें ये पता कि ठीक है बीटेक कर लेंगे, ठीक है प्लेसमेंट हो जाएगा या इसके बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का, ये बहुत ज्यादा आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट ऑप्शन होता है स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बाद ये ऑप्शन होता है. और मेजोरिटी लोग जो सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्वाइन करते हैं वो यही सोच के ज्वाइन करते हैं कि सर मेरे को जो है अपनी डोमेन में अपनी स्टेट के अंदर जूनियर इंजीनियर या मेरे को असिस्टेंट इंजीनियर लगना है. मेजोरिटी स्टूडेंट्स को ये पता होगा या सर कहीं पे प्राइवेट हम जॉब कर लेंगे, या थोड़ा सा दिमाग में ये भी है कि बीटेक करने के बाद हायर स्टडीज का ऑप्शन भी होता है. लेकिन उस हायर स्टडीज का ऑप्शन में हमें कैसे परस्यू करना है, कैसे उसको प्रोसीड करके चलना है, ये सारी चीजों का हमें अवेयरनेस होना जरूरी है. यही मेरा आज का इंटरेक्शन का पर्पस है कि जिसमें मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं क्या क्या है. बहुत सारी चीजें उसमें से आपको सुना होगा लेकिन उसके बाद का आपको ऑप्शंस नहीं पता होगा शायद कि उसको कैसे परस्यू करना है. जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन में बोला कि हम लोग जो है इंजीनियर्स करियर पॉइंट से हैं. इंजीनियर्स करियर पॉइंट हमने 2011 में स्टार्ट किया था, ऑफलाइन था. मेरे जो पार्टनर है इज डॉक्टर विजेंदर, ही इज फ्रॉम IIT बैकग्राउंड और वो बहुत एकेडमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. मेंटरिंग के लिए गाइडेंस के लिए उनका बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है. और वो और उसी सोच के साथ हमने स्टार्ट किया था कि ठीक है यार इस रीजन वाले, इस रीजन को स्पेशली चंडीगढ़ हिमाचल पंजाब हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर, इस रीजन में स्टडीज का बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है. इस टारगेट को दिमाग में रखते हुए हमने ये स्टार्ट किया था 2011 के अंदर. देन वी थॉट कि ठीक है एक एक लिमिट तक आ गया, एक सैचुरेशन आ गया, नाउ गो टू द नेशनल लेवल पे. तो देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि इसको नेशनल लेवल पे चीजें करते हैं. देन वी स्टार्टेड दिस यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म. यूरोपीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं भी इसको बहुत प्राउडली बोलना जा रहा हूं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं स्पेशली फॉर द हायर स्टडीज. रीजन उसके पीछे क्या है, देखो हायर स्टडीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है.
हायर स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या रीजन हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। देन फ्रॉम द लास्ट टू ईयर वी आर ऑल्सो गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर मेंटरिंग अब्रॉड, जिसमें हायर स्टडीज के लिए अगर स्टूडेंट्स ने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अगर बाहर जाना है तो योरपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म इज देयर, राइट। अब मेरा जो प्रेजेंटेशन है ना, अब जैसे आप लोग बीटेक करेंगे तो मेरे को ये एक आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अब आप बीटेक ग्रेजुएट हो जाएंगे, मोटा मोटा सा अगर मैं आपके पास पूछूं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होता है इसके बाद, पहला ऑप्शन क्या होता है आप लोगों के पास इमीडिएट बीटेक के बाद, जॉब का ऑप्शन, यस और नो, जॉब का ऑप्शन वो गवर्नमेंट भी हो सकती है वो प्राइवेट भी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है मेरे पास, हायर स्टडीज का ऑप्शन, हायर स्टडीज में मैं टेक्निकल डोमेन में जा सकता हूँ, जैसे एमटेक कर लिया या पीएचडी कर लिया उस डोमेन में जा सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन मेरे पास होता है मैनेजमेंट का ऑप्शन, मैनेजमेंट में मैं कैट का एग्जाम दिया, मेरे को आईएम्स में जाना है, बी स्कूल्स में जाना है, वहां पे बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं, ये तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मैं अब्रॉड जा सकता हूँ हायर स्टडीज के लिए, यस ये चौथा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बीटेक के बाद मैं बिजनेस कर सकता हूँ। ये पांच मेजर ऑप्शन है आप लोगों के पास या किसी भी एक ग्रेजुएट इंजीनियर के पास, ये पांच ऑप्शन अवेलेबल होती है, राइट। अब मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत हद तक जो घूमेगा वो गेट एज ए एग्जाम के ओरिएंटेड घूमेगा, क्योंकि दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जाम कि ये जो मैंने आपको पांच मेजर ऑप्शंस बताया वो सारे के सारे इस एक सिंगल एग्जाम से लिंक्ड है, तभी मैं इसको बोलता हूं कि ये इसका एग्जाम का ब्यूटी है कि जिसमें जितना भी तुम्हारे पास करियर ऑप्शंस अवेलेबल है बीटेक के बाद वो सारी की सारी इस सिंगल गेट एग्जाम के थ्रू निकल के आता है। इसी कारण से मैं इसको एग्जाम का ये ब्यूटी बोलता हूं कि सारी ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल है। इस पांच ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन होती है अगर आप बीटेक पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ब्रॉडर वे में, कोई और ऑप्शन बचती है, हा? यही पांच ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गेट की, गेट का एग्जाम क्यों जरूरी है, व्हाट इज गेट एग्जाम, है क्या चीज है। देखो गेट इज बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मेरी इस प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से सुनना क्योंकि देर में भी चांस कि ये जो एक घंटा है शायद आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना पूरी प्रेजेंटेशन को, बीच में बोर भी होंगे लेकिन सुनना एक एक चीज को अच्छे तरीके से। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है जी। गेट जो होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग इसमें वर्ड है तो ये इंजीनियर्स के लिए होता है, लेकिन अब पिछले साल दो साल तीन साल से क्या कर दिया, नॉन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी वाले लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, लाइफ साइंसेज लिख सकते हैं, मतलब नॉन इंजीनियरिंग वाले डोमेन वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं। नाउ अब इसका नाम क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये क्या है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। पहली चीज तो ये दिमाग से टोटली निकाल दो कि ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम है, ये बहुत इजी एग्जाम है। ये क्या करता है, ये आपका आपकी इंजीनियरिंग का आपका उसका एप्टीट्यूड लेवल चेक करता है कि क्या उसका आपका एप्टीट्यूड कितना है आपका अपनी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग, जिस डोमेन में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसका एप्टीट्यूड लेवल चेक करता है। जैसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है कि टेंथ तक जो आपने मैथमेटिक्स किया है, एलसीएम एचसीएल पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा, यही चीजें पढ़ते हैं ना, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है कि वो आपका मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड लेवल चेक कर रहा है। और ये गेट एग्जाम क्या कर रहा है कि वो आपका इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। जितना अच्छा मार्क्स आपका आ रहा है तो इट मींस कि आपका एप्टीट्यूड आपकी इंजीनियरिंग डोमेन में उतना अच्छा है, राइट। इसका मतलब ये है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम डिफिकल्ट एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है, ये एग्जाम क्रैम करने वाला एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है, ये एग्जाम रट्टा लगाने वाला एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जाम है कंसेप्ट का, कि जिसके कंसेप्ट क्लियर है, जिसको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, जिसको प्रॉफिट लॉस निकालना आता है, जिसको समझ आ गई है कंसेप्ट की, क्या तुम रट्टे से एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपको उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये गेट एग्जाम भी कुछ ऐसा ही एग्जाम है कि अगर आपके आपके सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अगर आपको उसका बेसिक्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, दिस एग्जाम बिलीव मी माय फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी एग्जाम है। पहली चीज तो ये दिमाग में डालो कि ये बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है, ठीक है। अब गेट के एग्जाम की थोड़ी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि गेट एग्जाम एक्चुअल में स्टार्ट क्यों हुआ था। गेट एग्जाम एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए। हायर स्टडीज देखो, अभी बीटेक आप इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल है, लेकिन मैं इसको स्पेशलाइजेशन नहीं बोलता, ये तो एक ब्रांच है आपका इंजीनियरिंग का। स्पेशलाइजेशन आती है इसके बाद कि इलेक्ट्रिकल के बाद जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन वर्ड आएगा। किन किन डोमेन में स्पेशलाइजेशन होता है इलेक्ट्रिकल का, किन किन डोमेन में होता है इलेक्ट्रिकल का स्पेशलाइजेशन, बोलो, पावर सिस्टम,
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम में जा सकते हो और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो और वीएलएसआई में जा सकते हो और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जा सकते हैं और सिग्नल प्रोसेसिंग में जा सकते हैं और कम्युनिकेशन डोमेन में जा सकते हैं। और ये तो वो होगी जो कोर डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, जो इलेक्ट्रिकल से डायरेक्टली रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज ऐसी हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं, जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है। वो कौन सी डोमेन है बताओ, कोई नाम ऐसी कोई डोमेन, बीइंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे को, मैं अदर डोमेन में भी जा सकता हूं, कौन सी डोमेन है? मटीरियल साइंस, एनवायरमेंट और डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एरोस्पेस, आपका एस्ट्रोनॉमी, स्पेस एस्ट्रोनॉमी, ऐसी बहुत डोमेन्स हैं जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा एंटर कर सकता है। ये मैंने वो डोमेन, अब मैंने पूरी इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कोर के अंदर, एक इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, तो ऐसे स्पेशलाइजेशन होती है। अब गेट के एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं यार। मेरे को ये बताओ कि आजकल बहुत ज्यादा जो ऑटो सेक्टर के अंदर जो है, गाड़ियों का हर किसी को पता है, गाड़ियों के अंदर वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो रहा है। हर हो रहा है ना, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा गाड़ियों का हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है? हाँ, डिमांड से कोई रिलेटेड नहीं है यार। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी है, डिमांड से रिलेटेड नहीं है। डिमांड तो नो डाउट की बढ़ रही है, टाइम के साथ बढ़नी है और इंडस्ट्रीज उसके हिसाब से अपने आप को पेसअप भी कर रही है, रेडी करना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया का, बहुत बड़ा एक ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक हब है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो वो तो करेगा ही। मेन रीजन क्या है, बहुत सुनने में आ रही है चीजें ये, हाँ, सेमीकंडक्टर, द चिप जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखो पहली चीज है, अब कोई भी जो कार है, अगर वो एक मैकेनिकल डिवाइस नहीं रहा, पहले वो एक मैकेनिकल डिवाइस होता था, अब नहीं है। अब उसके अंदर तो सारी इंजीनियरिंग है, उसमें कंप्यूटर साइंस भी इन्वॉल्व है, उसमें इलेक्ट्रिकल भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व है, मैकेनिकल भी इन्वॉल्व है, सारी इंजीनियरिंग आ रही है उसके अंदर। आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हम चिप की बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मिल ही नहीं रहे हैं, चिप प्रोसेसर तो उसमें लगेगा ही। अब तो टू व्हीलर मोटरसाइकिल के अंदर भी प्रोसेसर आ गया है, तो चिप की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो क्या ये शॉर्टेज इंडिया लेवल भी है? ये शॉर्टेज इंडिया लेवल पे है? नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे है। इसको एक कोई भी कंट्री एक अपॉर्चुनिटी ले सकता है कि यार क्यों ना इंडिया एक चिप मैन्युफैक्चरिंग का, चिप का सप्लायर ही बन जाए पूरी दुनिया को। समझ रहे हो पॉइंट को? मैं बात कर रहा हूं ये हायर स्टडीज के ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुए, स्पेशलाइजेशन की कहां से बात आती है। तो इंडिया ने एक चैलेंज लिया है कि हम क्या करते हैं यार, इस चिप मैन्युफैक्चरिंग में हम बेस्ट बनते हैं और हम इसको जो है वो आउटसोर्स करते हैं, सॉरी इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? जीडीपी से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डायरेक्टली रिलेटेड है जीडीपी से। सिंपल सी लैंग्वेज में, जितना कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी, जितना बेचेगी उतना अर्न करेगी प्रॉफिट, सिंपल सा ये। तो इसी चीज को एक चैलेंज लेके चल रहा है कंट्री कि ठीक है यार, इसको हम एक चैलेंज लेके चल रहे हैं। जितनी भी कंपनीज हैं जो चिप मैन्युफैक्चर करती है, उसको पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है इस टाइम पे कि भाई बनाओ, तुम जितना ज्यादा कर सकते हो बनाओ, जितनी तुम चिप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अब चिप मैन्युफैक्चर में उनको सपोर्ट है कंट्री का, आपको कंट्री का पूरा सपोर्ट है और मैन्युफैक्चर करो और इसको जितना हो सके एक्सपोर्ट करो। अब वो कैसे होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शायद वो कैपेबल नहीं है उसके लिए। है कैपेबल? नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं है तुम्हारी। अगर वो उसने हायर करना होगा इंडस्ट्री, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट है बीटेक का, एक वीएलएसआई या फिर सेमीकंडक्टर का जिसका स्पेशलाइजेशन है, या उसको हायर करेगा या एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को हायर करेगा? किसको हायर करेगा? स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करेगा। दैट इज वेयर द गेट एग्जाम स्टार्टेड कम इन टू प्ले। ऐसा नहीं है कि जब गेट एग्जाम स्टार्ट हुआ उससे पहले हायर स्टडीज नहीं होती थी, स्पेशलाइजेशन नहीं होती थी, होती थी। लेकिन उन्होंने ये बोला कि एक एग्जाम निकालते हैं, एक जिसने करनी है हायर स्टडीज, एक एग्जाम क्वालिफाई करके आओ, अपना लेवल रेज करके आओ और एंटर करो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में। और उन टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर वो काम चल रहा है जो पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है। रिसर्च कहां पे हो रही है? कहां पे होती है रिसर्च? इंडस्ट्रीज के अंदर। रिसर्च इंडस्ट्रीज में होती है? नहीं, रिसर्च होती है आपकी प्रोफेसर करते हैं, कॉलेजेस में होती है, यूनिवर्सिटीज में होती है रिसर्च। और ये जो रिसर्च होती है ये एक जॉब होती है, ऐसे पढ़ना नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली कि जो आपने रिसर्च किया उसको पेपर की फॉर्म में लिखना जरूर होता है। बड़े सिंपल से वे में आपको मैं चीजें समझा रहा हूं कि सिस्टम काम कैसे करता है, समझ रहे हो आपको? तो ये चीज होती है कि अब इस टाइम पे, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया चिप का, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जिसको जिसमें एज ए इंडिया एज ए कंट्री को रिक्वायरमेंट है या एक एज ए वर्ल्ड की पूरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, वो पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा लो, नासा लगा लो, जितने लटन पटन लगा लो, हर किसी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर इंडियन इंजीनियर्स हैं वहां पे, है या नहीं है वहां पे। तो इट मीन्स कि अगर सपोज इंडिया के जो इंजीनियरिंग डोमेन के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं वो कौन से हैं, IITs हैं, NITs हैं। रिसर्च कहां पे हो रही है, IITs में हो रही है, NITs में हो रही है, IIC बेंगलोर के अंदर हो रही है, IISCRs भी अब ओपन हो गए जहां पे बहुत रिसर्च हो रही है। अब मान लो मेरे को भाई एक इंडस्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री है, मेरे को एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सिस्टम का, समझ गए, मेरे को एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए कंट्रोल डोमेन का, कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है जी। अब मैं कहां पे जाऊंगा, मैं बीटेक के पास नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा स्पेशलाइज्ड के पास। यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर आप इस रैट रेस से बाहर निकल जाओगे, और प्लेसमेंट की टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है स्पेशली आपकी डोमेन में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस डोमेन में। कंप्यूटर साइंस का तो हमें पता है कि डाटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग ये डोमेन्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है और बहुत मास रिक्रूटमेंट हो रही है। लेकिन VLSI, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, सिग्नल कंट्रोल सिस्टम, ये कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा इस टाइम पे मार्केट में रिक्वायरमेंट है, बहुत ह्यूज पैकेजेस जा रहे हैं वहां पे, ह्यूज पैकेजेस। अब हम बात कर रहे थे गेट एग्जाम की, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि क्यों ये गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ, कि जिसमें कंट्री का रिक्वायरमेंट था कि यार, क्योंकि आप कंट्री को डेवलप कर ही नहीं सकते हो जब तक कोई टेक्नोलॉजी यहीं पे डेवलप नहीं होगा। हो जाएगी कंट्री डेवलप अगर तुम जहाज बाहर से इंपोर्ट ही करी जाओगे, कहां जाएगा GDP, कभी तुम डेवलप हो ही नहीं पाएगा वो कंट्री। तो यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बना रही है आपके हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट, कौन बना रही है? पहले DRDO बना रहा था, अब नहीं, DRDO बनाता है कुछ पार्ट्स बनाता है, वेंडर है उसका। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, सुने इसका नाम, HAL बना रही है। यार तुम लोग क्यों नहीं चाहते अपने आपको, तुम लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में जाऊं, ऐसी जगह पे जाऊं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाऊं जहां पे जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये नहीं है कि मैं सर यहां पे बैठा हूं तो मैं नहीं जा सकता, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये अनदर ब्यूटी है गेट एग्जाम का, कि जो गेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा वो स्पेशलाइज्ड डोमेन में चला जाएगा और वो उन इंडस्ट्रीज के अंदर एंटर कर सकता है। आप नहीं चाहते यार Chandrayaan-3 हुए, Chandrayaan-4, 5 हो तो मैं उसका पार्ट होना चाहूं, चाहते हो? क्यों नहीं चाहते हो? और कैसे होगे जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करोगे यार, तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम उसी रैट रेस के पीछे पड़े जाओगे कि ठीक है यार अब ये कर लिया कोई बात नहीं, 4 साल निकाल लेते हैं, अब इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज हैं, जाके 3-4 लाख 10-20 हजार कोई नौकरी दे देगा, मेरा अपना खर्चा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर तुम इतना तो लिमिटेड सोच के चलोगे यार फिर तो कभी नहीं जा सकते। तो इन सारी चीजों से पहले हमें अवेयरनेस होना जरूरी है, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, मैं जा सकता हूँ वहां पे, कि मैं भी HAL जा सकता हूं, मैं भी ISRO जा सकता हूं, मैं भी रिसर्च डोमेन में जा सकता हूं, मैं भी किसी ना किसी रिसर्च डोमेन में जाके अच्छा काम कर सकता हूं, मैं कंट्री के लिए काम कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के लिए काम कर सकता हूं। और रिसर्च डोमेन जो हायर स्टडीज डोमेन होती है, ये सोल्यूशन है इंडस्ट्रीज की, कंट्री की, वर्ल्ड की, आप लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, टीचिंग नहीं होती है यार। मतलब अगर आपको लगे कि मैंने एमटेक कर लिया है, PhD कर लिया, तो मैं सिर्फ टीचिंग डोमेन में जा सकता हूं, वो एक ऑप्शन है, दैट इज वन ऑप्शन। अदरवाइज तुम वहां पे जाके तुम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। मेरे को कोई एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है यार, ये जो मैंने ये डिवाइस बनाया इलेक्ट्रिकल का, मैं कोई एग्जांपल शायद देना मुश्किल हो जाएगा, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, मैंने कोई सपोज फॉर एग्जांपल एक पाइप है, ठीक है, पाइप है फॉर एग्जांपल, ये पाइप है, ये मैंने इसको बेंड किया, यहां पे रिंकल्स डलेंगे नहीं डलेंगे अंदर वाली साइड पे, मेरी इंडस्ट्री में मेरे को इसका सोल्यूशन निकालना है, मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए कि रिंकल्स नहीं चाहिए। रिंकल्स से क्या हो रहा है, उसकी लाइफ कम हो रही है, उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रही है, सिविल वाले समझ जाएंगे शायद स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो वहां पे जल्दी क्रैक आ जाता है, मेरे को उसका सोल्यूशन चाहिए। अब मैं कहां जाऊंगा, मेरी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है R&D विंग नहीं है, अगर R&D विंग होगा भी वो ऐसा काम नहीं करता है, ये इसका सोल्यूशन मेरे को जाके मिलेगा प्रोफेसर के पास जो इस पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रहा है, मैं उसको बोलूंगा ये पकड़ 10 लाख रुपए मेरे को इसका सोल्यूशन दे दे, या प्रोफेसर बोलेगा नहीं 10 में 15 लगेंगे मेरे को सोल्यूशन दे दे, ठीक है जी। अब वो 10-15 लाख उसको दे दिए प्रोफेसर को, क्या प्रोफेसर उसका सोल्यूशन निकाल लेगा? नहीं, वो गाइड कर सकता है किसी को,
और वो गाइड किसको करेगा जो वहां पे स्टूडेंट्स आ रही हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए। समझ रहे हो आपको कि ये सिस्टम कैसे चलता है, वो आपको पैसा कहां से दे रहा है। स्टाइपेंड होता है ना हायर स्टडीज प्रोग्राम में, मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में स्टाइपेंड होता है कि नहीं होता? यस होता है। कहां से दे रहे हैं पैसा वो? ठीक है, बीटेक एमटेक लेवल पे तो एमएचआरडी दे रहा है, लेकिन पीएचडी लेवल पे जो आपको वो फंडिंग मिल रही है वो प्रोजेक्ट से मिल रही है, जो उस प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है जिसपे आपने काम करना है। सर उसके बाद क्या होगा? वही कंपनी तुम्हें हायर कर जाएगी। समझ रहे हो? बहुत ह्यूज पैकेजेस पे। तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। दिस इज हाउ द थिंग्स स्टार्टेड, टू प्रमोट द हायर स्टडीज, टू प्रमोट द रिसर्च इन दिस कंट्री। और रिसर्च डॉक्टर नहीं करते हैं, ठीक है, वो उस लेवल पे है। लॉयर्स रिसर्च नहीं करते हैं, रिसर्च मेन जो कंट्री को डेवलप करने वाली रिसर्च है वो इंजीनियर्स ही करते हैं, और इंजीनियर कैन मेक द नेशन। दिस इज अ वेरी सिंगल लाइन कि इंजीनियर्स कैन मेक द नेशन। और इंजीनियर भी एक ऐसी डोमेन है जो एक चेंज ला सकती है, जो रेवोल्यूशन ला सकती है किसी भी डोमेन में। ला सकते हो नहीं ला सकते हो? गलत है, सही है ये बात जो मैंने आपको बोली कि इंजीनियरिंग एक बहुत बहुत बड़ा प्रोफेशन है, क्योंकि ये सोल्यूशन दे रहा है सोसाइटी को, राइट? सो दिस इज हाउ दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। सो ये थोड़ा मैंने आपको हिस्ट्री बताया उसके बारे में। गेट एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा मैं बताता हूं कि गेट एग्जाम क्या है। गेट एग्जाम में क्या होता है, 65 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का एक एग्जाम होता है और 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, राइट? इसमें जो सिलेबस है 100 मार्क्स में से 30 नंबर का आता है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट, 70 मार्क्स का आता है आपका टेक्निकल पार्ट, जो इलेक्ट्रिकल की आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, आपका दिस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मेजरमेंट, ये सब्जेक्ट आपके 70 नंबर के। 30 नंबर में 15 नंबर का आएगा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आप पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, मैट्रिसेस वगैरह पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? ये 15 नंबर का आएगा। और पीछे जो 15 नंबर बच गए उसका आएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो 10वीं तक का मैथ है, रीजनिंग, वो भी 10वीं तक आप चीजें पढ़ते हैं, इंग्लिश जो आप 10वीं तक पढ़ते हैं। तो 15 नंबर का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, 15 नंबर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 70 नंबर का आएगा आपका टेक्निकल पार्ट। समझ गए पॉइंट? तो ये है, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क क्वेश्चन आएगा, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और उसमें जो है वो ऑप्शन होगा आपका। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा मल्टीपल सिलेक्शन, कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक होगा, जिसमें आपको आंसर वहां पे वैल्यू पुट करनी है। समझ गए? तो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें होगा। उसके बाद गेट एग्जाम के कुछ फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे गेट एग्जाम का पहला फीचर हमने लिखा है कि आप लोग ये 3rd ईयर ऑनवर्ड आप दे सकते हो। गेट एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं होता। रीजन, क्योंकि गेट एग्जाम किस पर्पज के लिए है? फॉर हायर स्टडीज। ये तो पिछले 10-12-15 साल से हो गया कि इसके थ्रू जॉब का भी ऑप्शन ओपन हो गया। अदरवाइज दिस एग्जाम एक्चुअली स्टार्टेड फॉर द हायर स्टडीज, जो अभी भी है इस एग्जाम का, राइट? तो पहला, ये 3rd ईयर ऑनवर्ड आप कभी मर्जी दे सकते हो, एट दी एज ऑफ 60 भी दे सकते हो। एमटेक करने का, हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट होता है? नहीं होता। तो इसका भी कैसे हो जाएगा? गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? तो ये आप 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो। दूसरा आ जाएगा 70-30, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ गया कि जब आप गेट का एग्जाम दे देते हैं तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए, इंडिया अब्रॉड हायर स्टडीज दोनों के लिए, और आपका विद स्कॉलरशिप के लिए, राइट? उसके बाद गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ठीक है जी? उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, ऐप होती है, आप फोन से इंस्टॉल करके वहां पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, जो गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। आप 3rd ईयर में देंगे, 4th ईयर, 1st ईयर, उसके बाद के 2 साल, 3 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आ गया आपका जो है वो, आप 2 गेट के एग्जाम आप दे सकते हो। जैसे आपने एक तो इलेक्ट्रिकल से दे सकते हो, एक अदर ब्रांच से भी आप दे सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर 3rd ईयर में देने तो कौन सा दे सकते हो, कौन सा देना चाहिए आपने अपने टेम्परामेंट के हिसाब से। अगेन, डू नॉट फॉलो द रैट रेस। रैट रेस फॉलो नहीं करनी है कि हर कोई डाटा साइंस डोमेन में जाना चाह रहा है तो मैं भी ये कर सकता हूं, नो डाउट। अब मेरे को ये बताइए कि ये जो बीटेक में जो स्टूडेंट, मेजोरिटी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों, क्या रीजन आपको क्या लगता है उसके पीछे? इंटरेस्ट, क्या चीज है? कि इजीली प्लेसमेंट मिल जाएगा, सैलरी पैकेजेस सही मिल जाएंगे, ठीक है 5-7 लाख से स्टार्ट कर लेंगे, यही एक रीजन है 70-80% स्टूडेंट का। अगेन, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, शायद 15-20% स्टूडेंट उसमें ऐसा होगा जो विद इंटरेस्ट आएगा कि मेरे को बीटेक कंप्यूटर साइंस में भी।
अब 80% बच्चा रैट रेस फॉलो कर रहा है, राइट। अगेन नाउ कम टू द, अगर हम हायर स्टडीज की बात करें, जो मैंने आपको स्पेशलाइजेशन बताई है बहुत सारी, उसमें आपको किस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है वो आपको आपकी 4 साल का एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। कि जब आप चीजें कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट का कैसे पता चलता है, जब आप उसको करते हो, देखने से इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। मैं क्रिकेट का मैच भी देख रहा हूं, मैं वॉलीबॉल भी देख रहा हूं, मैं बास्केटबॉल भी देख रहा हूं, देखने से नहीं इंटरेस्ट डेवलप होगा। हल्का फुल्का आइडिया जरूर लगेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा जब आप उसको खेलना स्टार्ट करोगे, कि यहाँ खेल के तुम उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चीज होती है। सिमिलरली अब कैसे पता लगेगा मेरे को किस डोमेन में जाना चाहिए, नो डाउट उसका फ्यूचर स्कोप वगैरह वो सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी अच्छी हैं। हम बात कर रहे हैं आईटीज की, आईटीज के अंदर वो चीजें चल रही हैं जो पूरे दुनिया में रिक्वायरमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट, ये सारा क्लियर कर चुका हूं पहले। तो अब आपको किस डोमेन में जाना है, ये आपको एनालिसिस करना है कि मेरा इंटरेस्ट किस डोमेन में है। अगर जिस जिसका भी इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, क्योंकि डाटा साइंस मशीन लर्निंग AI ये डोमेन मैथमेटिक्स की डोमेन है, इसका कंप्यूटर साइंस से नहीं रिलेशन है। नो डाउट कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है उसमें, क्योंकि उसने कुछ लैंग्वेजेस पहले से पढ़ लेते हैं वो बीटेक में, लेकिन पाइथन वगैरह वो नहीं पढ़ते। शायद स्पेशलाइजेशन अब स्टार्ट हो गई है कॉलेजेस में कि कंप्यूटर साइंस में वो पाइथन पढ़ा रहे हैं। ये क्या पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये तो टूल्स हैं, टूल्स हैं। मेरे को एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, मेरे को A+B करवाना है, वो मैं किसी भी लैंग्वेज से करवा सकता हूँ, वो तो टूल है। समझ मेरा पॉइंट का नहीं, बड़े सिंपल से एग्जांपल्स लेके मैं समझा रहा हूँ आपको मैं, वो तो टूल है। बाकी कौन सी लैंग्वेज इजी है, कौन सी डिफिकल्ट है, किसका एप्लीकेशन, किसको आप कैसे यूज कर सकते हो, उसके कोड्स वगैरह कितना ईजी है लिखना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज जिसका भी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है उसको डाटा साइंस मशीन लर्निंग AI डोमेन में जाना चाहिए। मैथमेटिक्स बहुत जिसका स्ट्रांग है अच्छा हो, स्पेशली दी प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, ये रैंडम वेरिएबल वगैरह वाले जो टॉपिक हो गए, रिग्रेशन एनालिसिस वाले जो टॉपिक हो गए, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। जिनका इस डोमेन में इंटरेस्ट है ना, जिसका इसमें अच्छा हाथ है, वो डाटा साइंस AI मशीन लर्निंग डोमेन में जा सकता है, बहुत हाई पैकेजेस हैं। अदरवाइज अपनी कोर डोमेन में रहना चाहते हो तो जो मैंने आपको स्पेशलाइजेशन बताया उस डोमेन में जाओगे, वहां पर भी बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस वहां पर मिलते हैं, राइट। अब इसका आंसर मैं आपको बाद में करूंगा कि थर्ड ईयर में देना है तो कौन सा पेपर देना चाहिए, 2 पेपर देने, नहीं देने, 1 देने, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। उसके बाद क्यों गेट का एग्जाम, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको जॉब के ऑप्शन में जाना है, मैंने सबसे पहली चीज बताई थी बीटेक के बाद आपके पास जॉब का ऑप्शन है। जॉब में 2 टाइप ऑफ जॉब आता है इसके अंदर, एक गवर्नमेंट जॉब है, एक पब्लिक सेक्टर है, PSU। सुना ही वर्ड PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सुने कुछ मेरे को PSU के नाम बता सकते हो? BHEL हो गया, SAIL हो गया, GAIL होगा, ISRO, DRDO और BARC, IOCL, HPCL, SAIL, आपका इलेक्ट्रिकल के कोर PSU, पावर ग्रिड, POSOCO, बहुत बड़े कोल इंडिया लिमिटेड, बहुत बड़े ये PSUs हैं, मतलब महारत्न की कैटेगरीज के हैं सारे के सारे। पावर ग्रिड सबसे ज्यादा पैकेज हाई देता है पावर ग्रिड का, तकरीबन 17-18 लाख का पैकेज है पावर ग्रिड का। उसका अगला प्रोसेस GDE इंटरव्यू वगैरह का होता है, ठीक है जी। तो ये PSU है, PSU गवर्नमेंट जॉब होती है क्या? PSU गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में 7th pay commission अगर बीटेक इंजीनियर को मिलेगा तो 70-80 हजार, 90 हजार से ज्यादा नहीं है सैलरी, यहां पे तो आपको 16-18 लाख का पैकेज दे रहा है वो, तो PSU गवर्नमेंट जॉब नहीं है। PSU क्या होते हैं? PSU होते हैं, ये कोलेबरेटिव प्रोग्राम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट के साथ, या 2 महारत्न मिलकर भी एक नया नवरत्न PSU ओपन कर सकते हैं। 250+ PSUs हैं टोटल आपके। ये बैंक्स क्या हैं? पंजाब नेशनल बैंक, SBI, J&K बैंक, ये क्या है? ये सब PSUs हैं, सैलरी पैकेजेस बहुत हाई होते हैं कंपेयर टू द गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो कौन सी ऑप्शन आती है गेट के थ्रू? गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब थ्रू गेट एग्जाम। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है पंजाब का PSPCL, हरियाणा का यूटिलिटी वाला जो सेक्टर है, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, ये 4-5 स्टेट्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अगर असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिविजन इंजीनियर का अगर उसे रिक्रूटमेंट करना है वो गेट के थ्रू करते हैं। इस बार क्या हुआ है पंजाब में, गेट में जनरल कैटेगरी का 25 क्वालिफाइंग स्कोर था और जिसके 25 मार्क्स आए वो भी यही लग गया है मेयर गेट क्वालिफाई करने पे। मेयर गेट क्वालिफाई करने पे जितना डिफिकल्ट +1 +2 लेवल पे हायर स्टडीज में एंटर करना है ना, उतना ही आसान मास्टर्स लेवल पे हो रहा है, स्पेशली फॉर यू कोर ब्रांचेस स्टूडेंट्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। रीजन उसके पीछे क्या है? क्योंकि मार्केट में स्टूडेंट ही नहीं है।
मार्केट में स्टूडेंट्स नहीं है, और सबसे ज्यादा जो पीएसयू का रिक्रूटमेंट करते हैं वो इन तीन कोर ब्रांचेस के लिए करते हैं। जो पीएसयू रिक्रूटमेंट करते हैं मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के जो मास रिक्रूटर्स हैं वो पब्लिक सेक्टर्स हैं। पता ही चीजों के बारे में, सीटें खाली चली जा रही है वहां पे, चाहे वो मैं हायर स्टडीज की बात करूं चाहे मैं जॉब्स की बात करूं, स्टूडेंट्स नहीं है मार्केट में, बिलीव मी। क्यों मैं ये चीज इतना कॉन्फिडेंटली क्यों ये चीजें बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैंने आपको यूरोपीडिया की बात करी कि जिसमें हम लोग गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को टू गो फॉर द हायर स्टडीज, वी आर मोटिवेटिंग देम कि तुम हायर स्टडीज डोमेन में जाओ। रीजन क्या है हायर स्टडीज डोमेन में जाने में, मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्यों हायर स्टडीज में क्यों जाना है, मैं चीजें बताऊंगा आपको। अदरवाइज मैं आपको बड़ी सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, सीटें खाली चली जा रही है वहां पे और अपॉर्चुनिटीज ह्यूज है। पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर जब रिक्रूटमेंट करते थे वो उसी साल का गेट स्कोर मांगते थे। अब उन्होंने देखो पिछले तीन तीन साल का अलाउ कर दिए स्टूडेंट्स। अभी मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था, सॉरी एक एडवर्टीजमेंट थी, उसमें 5 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर दिया है एलिजिबिलिटी के भी बियॉन्ड। क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नहीं है स्टूडेंट मार्केट में। उनको पूरी एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करनी पड़ती है, 10 बंदे चाहिए थे उनको मिले 7, अब 3 बंदों के लिए उसको फिर से दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। तो वो चाहते नहीं ऐसा नहीं करते, तुम ज्यादा अलाउ कर दो, स्टिल नहीं मिल रहे हैं। समझे पॉइंट को ये। तो पहला ऑप्शन हो गया कि अगर किसी ने पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, दूसरा अगर किसी ने हायर स्टडीज डोमेन में जाना है, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे वो अब्रॉड की बात करें। आप में से कौन कौन है यहाँ पे जो अब्रॉड टारगेट कर रहे हैं हायर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज अब्रॉड, गुड। और ठीक है, हायर स्टडीज का मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि किस तरीके से जाना है। उसके बाद आपको अगर स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना है अपनी हायर स्टडीज में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, आपको सारी स्पेशलाइजेशन मैंने बताई है आपको, अगर आप उस डोमेन में जाना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन गो थ्रू दिस गेट एग्जाम। और गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करने से एक ओवरऑल जो मैंने आपको बताया ना, आपका जो एप्टीट्यूड लेवल है, जो टेक्निकल एप्टीट्यूड है वो स्ट्रांग होता है। आप लोगों की कोई कंपनी आ रही है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कंपनी आ रही है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए, 5 लोग एलिजिबल हो गए, 3 लोग का ठीक है रिज्यूमे सभी ने सेम फॉर्मेट में बना लिया, सब कुछ हो गया, मान लो सभी ने सेम प्रोजेक्ट पे काम किया है, मान लो उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने लिख दिया अपने रिज्यूमे के कि सर आई एम गेट क्वालिफाइड, उसको बेनिफिट मिलेगा। और दिस इज द थिंग, जो गेट क्वालिफाई होना, जो आप अपने रिज्यूमे पे बहुत शान से लिख सकते हो और पूरी लाइफ लॉन्ग लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट तुम्हें सिर्फ अब मिलेगा, क्योंकि गेट एग्जाम क्वालिफाई होना ये इस चीज का प्रूफ है कि तुम्हें टेक्निकल, तुम्हारी अपनी इंजीनियरिंग का नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल तुम्हारे क्लियर है। समझ रहे पॉइंट, ये 8 CGPA, 9 CGPA, 7 CGPA, 6 CGPA इज नॉट द प्रूफ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं 6 CGPA होता है गेट में वंडर्स कर देते हैं और पहुंच जाते हैं टॉप लेवल पे। बहुत स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जिसका स्कोर कम है ना, जिसका CGPA कम है, उसको शायद ये लगता है कि यार मेरे लिए दूसरा रीजन है। ठीक है, वो पैसा एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली तुम्हें आ ही जाएगा। मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में शायद पैसे की बात नहीं की है, हम लोग बात कर रहे हैं करियर की, करियर रिलेटेड है तुम्हारे स्किल के साथ, राइट। ठीक है, वो अल्टीमेट गोल है, हर किसी का गोल है और वो मिल ही जाएगा तुम्हें, उससे कभी मत घबराना। दूसरा रीजन हायर स्टडीज का क्या लगता है, और मैंने बहुत बड़े बड़े नाम लिए हैं आपके रिज्यूमे के ऊपर, अगर आ जाए ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू, क्यों मिल रहे, वही कंपनी जो आपके कॉलेज में आके 5 लाख का पैकेज दे रही है, वही कंपनी पैक थापर में जाके 10 लाख का पैकेज दे रही है, वही कंपनी NIT में जाके 20 लाख का पैकेज दे रही है, वही कंपनी IIT में जाके 50 लाख का पैकेज दे रही है। एक ही तो सभी ने बीटेक किया है, फर्क कहां पे है, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू। क्योंकि उनको पता है कि जिसने IIT में एंट्री की है ना, उसने बहुत मेहनत करके की है, उसका नॉलेज अच्छा है, उसका कैपेबिलिटी भी होगा। पैसा कहां पे लगा रहा है, इंडस्ट्री पैसा क्यों लगा रहा है, उस ब्रांड के ऊपर लगा रहा है, उस बच्चे की कैपेबिलिटी पे लगा रहा है कि अगर कोई यहां पे बैठा है बच्चा, इंटरव्यू किया, अगर वो कैपेबल है तो उसको उठा रहा है, ऐसा नहीं है। सेकंड इज द ब्रांड वैल्यू। तीसरा रीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूरी लाइफ आपने करना है, जिसके लिए हमेशा एफर्ट मारना है, एक्सपोजर। यहां पे किस स्टेट से बच्चे हैं, हिमाचल से हैं, और कहां से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से, ओनली हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, और नेपाल से, और
हरियाणा से है, ठीक है, मेजोरिटी हिमाचल है। अब आपको क्या लगता है कि इन्फ्लुएंस किसका होगा ज्यादा एक दूसरे के ऊपर जो मेजोरिटी है ना, वही होगा ना। अब यहां पे आप लोग एक दूसरे में आपस में कितना का एक्सप्लोर कर पाओगे एक दूसरे को, कितना का तुम एक दूसरे से एक्सपोजर ले पाओगे, कितना एक दूसरे से लर्निंग कर पाओगे, वो डिपेंड करता है कि मेरे उस ग्रुप के अंदर किस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट। यहां पे दो तीन स्टेट से बच्चे हैं ना, थिंको मैं बात कर रहा हूं आईआईटी एनआईटी की, जब आप वहां पे जाओगे वहां पे पूरे इंडिया का बच्चा होगा। यहां पे आपको लगता होगा कि यार नेपाल का स्टूडेंट कैसे सोचता है, दिमाग में कभी सोच के देखना कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को सोचते हो, लीड कर रहे हो। एक अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट कैसे कर रहा है, चाहे वो कल्चर वाइज बात करें, चाहे वो किसी भी तरीके से बात करें। जब तुम आईआईटी एनआईटी इंडिया के ब्रांड्स में जा रहे हो, जहां पूरे इंडिया का बच्चा है, जहां पे तुम्हें साउथ इंडियन भी मिलेगा, ईस्ट का भी मिलेगा, वेस्ट का भी मिलेगा, पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट का बच्चा मिलेगा, तुम्हारा लर्निंग का लेवल बहुत रेज हो जाएगा, बहुत तुम्हें लर्निंग होगा, बहुत सीखने को मिलेगा तुम्हें। क्योंकि एक साउथ इंडियन बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि मिडिल का जो स्टूडेंट है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये चार पांच स्टेट्स ऐसी हैं जो बच्चा मेहनती होता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती। साउथ का बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, बहुत रिसर्च करता है चीजों के लेके, कि अगर मेरे को गेट की कोचिंग करनी है ना ऑनलाइन, वो 50 इंस्टीट्यूट देखेगा, हर चीज देखेगा, उसका मटेरियल भी जानना चाहेगा, उसका टेस्ट सीरीज भी देखेगा, उसका लाइव क्लासेस भी अटेंड करेगा, डेमो क्लास भी लेना चाहेगा, उसके रिजल्ट भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। साउथ का बच्चा कुछ इस तरीके का होता है। हमारे मतलब इस नॉर्दर्न रीजन का बच्चा क्या होता है कि उसने एक बार दिमाग में कुछ सोचा, लग जाएगा, जितनी जल्दी से लगेगा ना उतनी जल्दी से नीचे भी उतर जाएगा, कैपेबल बहुत है। उस थोड़े के टाइम के अंदर आप वो सक्सेस ले सकते हो, शायद वो मिडिल वाले स्टूडेंट को अगर 2 साल लग रहे हैं, लेकिन टोटली ऑल्दो इट इज, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन वो टोटली एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो उस टाइम के दौरान में। तो ऐसे तुम्हें लर्निंग होता है। ये एक्सपोजर की मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं फॉरेन की। नाउ थिंक अबाउट फॉरेन, कि जब आप मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम फॉरेन के लिए कर रहे हो, वहां पे हर कंट्री का बच्चा होगा। अगर आप वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में बैठे हो, वहां चाइना का भी होगा, जापान का भी होगा, पाकिस्तान का भी होगा, यूएसए का भी होगा, इंडिया का भी होगा, हर ऑलमोस्ट हर कंट्री का बच्चा होगा। तुम्हें एक्सपोजर कितना मिलेगा, लर्निंग कितना होगा, इसका वैल्यू होता है। जब तक तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर ब्रांड्स नहीं ना आएंगे, आई एम गेट क्वालिफाइड, आई हैव डन इंटर्नशिप अंडर दिस प्रोफेसर फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस कॉलेज, जिसका रिकॉग्निशन नहीं है, ब्रांड वैल्यू रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना। आप किसी को जाके बोलो आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस आईआईटी, आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस एनआईटी, आईआईटीज को पूरी दुनिया में जानते हैं, आईआईटीज तो है पूरे इंडिया के ब्रांड, पूरी वर्ल्ड के लिए नोन है ये आईआईटीज, आईआईटी सिस्टम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, बहुत बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव जो दिए हैं वो आईआईटीज ने दिए हैं। और आईआईटीज इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, आईआईटीज इंप्लॉयमेंट देने के लिए नहीं जाने जाते हैं, आईआईटीज इंप्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं, इंप्लॉयर क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। समझ रहे हो आपको? सो दिस इज द रीजन वाई यू शुड गो फॉर द हायर स्टडीज, एवरी वन ऑफ यू शुड गो फॉर द हायर स्टडीज। लेकिन कहां पे जाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, उससे नीचे मत सोचना, ऑलवेज थिंक बिग, बड़ा सोचो। एक मैं कोट है, हर प्रेजेंटेशन में बोल रहा हूं ये, जो मैं बड़ा सोचने वाली बात कर रहा हूं मैं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोली है हमारे, कि स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन। किसने बोली है लाइन ये, स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन, किसने बोला ये? हां बोलो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने बोला ये, सिन वर्ड यूज किया। सिन वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, पाप है ना। पाप हम वर्ड किस चीज के लिए यूज करते हैं नॉर्मली? जब कोई चीज किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने सिन पाप किया, ऐसा बोलते हो? पाप वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज रिलीजियन से जुड़ी होती है ना, तो इसीलिए उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि जो इंडियंस है ना वो रिलीजन के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, उनके लिए पाप एक बहुत बड़ा वर्ड है कि नहीं? इंडियंस के लिए है या नहीं है? दैट इज द रीजन वाई उन्होंने छोटा सोचने को पाप से रिलेट किया है, कि तुम सोचो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो छोटा सोच के, बड़ा सोचो। स्टूडेंट जो हमें गेट के बाद पोस्ट गेट काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरे को किसी ऐसी जगह पे भेजना कि जहां पे मेरे को कम से कम 25-30 लाख का पैकेज चाहिए सर मेरे को,
ऐसे बोलता बच्चा, और हम लोग 2-4-5 लाख से पता नहीं क्यों खुश हो जाते हैं। चलो नौकरी तो लोगी है ना, ऐसे ही सोचते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती करते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि इमीडिएट जॉब करना सबसे बड़ी गलती है। अपने स्किल एक्वायर करो, स्पेशलाइजेशन, ब्रांडिंग, जब तक ये तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर नहीं होगा तुम्हारा ब्रांड वैल्यू नहीं पड़ेगा। ब्रांडिंग करनी है तुम्हें अपनी, और बहुत इजी है, बिलीव मी, बहुत आसान है, बस करना क्या, मेहनत करनी है, और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सर मेरे को आईटी जाना है, बिना मेहनत के जा सकता हूं? सॉरी फ्रेंड्स, नहीं जा सकता। लेकिन सर डिफिकल्ट है, इजी है? आज के टाइम पे मैं क्लियरली बोल रहा हूं बहुत इजी है। इस बार मेरे को लग रहा है अराउंड 1500 के आसपास हमें स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग के लिए ज्वाइन किया था। 1500 में से रफली मेरे को लग रहा है 1200-1300 स्टूडेंट्स ऐसे जो चले गए आईआईटी, जिनको आईआईटी मिल गया है, और स्टिल बहुत सीटें खाली हैं क्योंकि स्टूडेंट नहीं है मार्केट में। यही मैं तुम्हें चीज बताने जा रहा हूं, तुम बहुत इजीली एंटर कर सकते हो आईआईटी के अंदर। देख के तो आओ यार, क्या चीज है जिसमें पूरे इंडिया का बच्चा जाना चाहता है कैसा वहां पे? कुछ तो है ना यार वहां पे, तभी तो और कोई जाना चाह रहा है वहां पे। कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो है ही है, ब्रांड वैल्यू है वो तो है ही है, ब्रांडिंग तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, राइट? अब दो क्वेश्चन और थे यहां पे कि थर्ड ईयर में देना और फाइनल ईयर में देना, दो पेपर देना। उससे पहले कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, विजिबल है, विजिबल है, चलो मैं बोल देता हूं। ये क्या चीज है, ये टेबल क्या है? ये टेबल है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग गेट के दो पेपर दे सकते हो, ये बोला था ना मैंने आपको, आप एक पेपर इलेक्ट्रिकल में तो दे सकते हो, दूसरा पेपर भी दे सकते हो। यहां पे इलेक्ट्रिकल कहां है, ये ना थर्ड लास्ट पे। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट पेपर देते हो, ये ना कर्सर आ रही है वहां पे, हाँ ये इलेक्ट्रिकल के, तो देखो आप कौन से पेपर दे सकते हो। बीए किसका पेपर कोड है? डाटा साइंस एंड मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी। इस साल एक नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है, दैट इज डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पता ना इसके बारे में? इस साल एक नया पेपर स्टार्ट हुआ है, दैट इज डाटा साइंस एंड एआई। तो क्या सर इस गेट, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि डाटा साइंस एआई का पेपर स्टार्ट क्यों हुआ है। देखो डाटा साइंस एआई मशीन लर्निंग, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि ये क्या है, मैथमेटिक्स का डोमेन है। मैथमेटिक्स तो सारे इंजीनियर पढ़ते हैं, कोई भी डोमेन में तुम बीटेक कर रहे हो मैथमेटिक्स तो सारे पढ़ रहे हैं, चाहे केमिकल है, चाहे टेक्सटाइल है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे सिविल है, कोई भी ब्रांच का बच्चा पढ़ता है। तो इट मींस कि इन डोमेन्स में कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है, पहला चीज, ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस भी जा सकता है, लेकिन जब डाटा साइंस इन डोमेन में जब एमटेक के लिए तुम ज्वाइन करते हो, तो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट ने, क्योंकि उसने कोडिंग सीखी होती है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम कम आती है, यू कैन से लाइक दिस। लेकिन जो नॉन सीए स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि उसको थोड़ा महीना दो महीना कोडिंग कोडिंग सीखने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, समझ लो मेरा पॉइंट। अब आईटी बोल रही है कि अगर तुम भाई इस डोमेन में आना ही चाहते हो तो तुम अपना बेसिक नॉलेज एक्वायर करके आओ, तुम उसके उसी के पेपर के थ्रू आओ, समझ लो मेरी बात, कि अगर तुम डाटा साइंस मशीन लर्निंग एआई डोमेन में आना चाहते हो तो उसी का पेपर देके आओ। तो दैट इज व्हाई दिस स्टार्टेड, राइट? अब यहां पे देखो लिखा हुआ है कि अगर तुम पहला पेपर इलेक्ट्रिकल से दे रहे हो तो तुम सेकंड पेपर डाटा साइंस एआई से दे सकते हो। ईसी कोड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बाद आईएन कोड है इंस्ट्रूमेंटेशन का, उसके बाद पीएच कोड है फिजिक्स का। अगर आप पेपर, पहला पेपर इलेक्ट्रिकल, वैसे तो आप कोई भी ब्रांच का पेपर दे सकते हो, चाहे कंप्यूटर साइंस दे लो, चाहे मैकेनिकल दे लो, कोई मर्जी दे लो। प्रॉब्लम कहां पे आते हैं, जब तुम अप्लाई करते हो एलिजिबिलिटी के अंदर कि मेरा बीटेक ब्रांच ये है, मेरा गेट मैंने इसमें दिया है, तो मैं इन जगह पे एलिजिबल हूं, समझ रहे पॉइंट? क्योंकि बहुत स्पेशलाइजेशंस हैं, बहुत स्पेशलाइजेशंस हैं। रफली जब तुम गेट के बाद अप्लाई करने लगते हो वेरियस आईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, रफली मोर देन 1000 ऑप्शंस होती है तुम्हारे पास अप्लाई करने के लिए, मोर देन 1000 ऑप्शंस कम से कम। तो उसमें से कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे गेट स्कोर के ऊपर, तुम्हारी सीजीपी के ऊपर, तुम्हारी कैटेगरी के ऊपर, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है ये, समझ रहे पॉइंट कोई? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेटेजी उसी के बेस पे बनता है कि तुम्हारे गेट में कितना स्कोर आया, सीजीपी कितना है और कैटेगरी क्या है। तो अदरवाइज अगर आप डाटा साइंस का पहला पेपर देते हो, ये देखो कहां गया डीए, ये रहा। अगर आप डाटा साइंस का पहला पेपर सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद आप सेकंड पेपर किसमें दे सकते हो, कंप्यूटर साइंस में दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल में दे सकते हो, मैथमेटिक्स में दे सकते हो, मैकेनिकल में दे सकते हो, स्टैट्स में दे सकते हो, एक्सी में दे सकते हो, तुम दे सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देने को तुम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो,
अच्छा दो पेपर देना कंपल्सरी नहीं है, तुम एक पेपर भी दे सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, समझ रहे पॉइंट। तो ये वो मैंने आपको थोड़ा रफली सा बताया कि आप तुम दो पेपर दे सकते हो। अब पॉइंट यहाँ पे आता है, सर कौन सा देने है, दो देने हैं तो एक देने है, थर्ड ईयर में देना है तो कौन सा देना है, दोनों देने हैं फाइनल ईयर में। कितने लोग यहाँ पे थर्ड ईयर से? अच्छा कितने लोग फाइनल ईयर से? आज कितनी तारीख है? 27। पहली चीज नोट कर लेना, 29th इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द गेट इस बार के लिए विदाउट लेट फीस। विदाउट लेट फीस के 29 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। इसमें अप्लाई करना है वो कर सकता है। अब जो लोग थर्ड ईयर से हैं, थर्ड ईयर में मेरा सजेशन ये रहता है हर किसी को कि मेन पेपर से मत दो, मेन इलेक्ट्रिकल से मत दो, क्योंकि उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है। पेपर अगर देने, अगर आप देखो, अब इसमें भी डिपेंड करता है सर मेरे को कौन सी डोमेन में जाना है। अगर तो मेरे को अपनी कोर डोमेन में जाना है तो ऑब्वियसली तुम्हें इलेक्ट्रिकल और या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से देना ही पड़ेगा। सर अगर मेरे को इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन डाटा साइंस वगैरह में जाना है, ऑब्वियसली तुम्हें डाटा साइंस वगैरह से पेपर लिखना चाहिए, समझ रहे पॉइंट नहीं। तो ये वैसे तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने किस डोमेन में पेपर देना है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारा किस चीज डोमेन में तुम एंटर करना चाहते हो। नेक्स्ट चीज, अगर तुम टारगेट कर रहे हो पब्लिक सेक्टर, पीएसयू टारगेट कर रहे हो, जॉब टारगेट कर रहे हो, जिस डोमेन में आपका बीटेक है उसी डोमेन में ही आपका गेट होना चाहिए, वही उसका एलिजिबिलिटी होता है। आप गेट दे दो इंस्ट्रूमेंटेशन से, सर रैंक वन आया, किसी पीएसयू में एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, कि बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट इन इंस्ट्रूमेंटेशन रैंक वन, वेयर आर विच फॉर विच पीएसयू यू आर एलिजिबल, जीरो। समझ रहे पॉइंट, क्योंकि वो ही चाहते हैं कि भाई बंदे को क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूं। कि अगर मेरे को पीएसयू में जाना है तो अपनी कोर में लिख के आए ना, ऐसे थोड़ा ना तुम किसी और तरीके से आ सकते हो, तो तुम्हें अपनी कोर में लिख के आना पड़ेगा। तो जो लोग पीएसयू टारगेट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने कोर ब्रांच से पेपर देने हैं। उसके बाद एक और मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर जॉब किसको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तुम्हें लगेगा इमीडिएट सर मेरे को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, लेकिन जिसमें ग्रोथ होता है ना गवर्नमेंट के अंदर, आप लोगों में से जिसके भी पेरेंट्स या नॉन गवर्नमेंट जॉब में है उनको पता है, जो फिक्स जो सैलरी है ना, जो ग्रोथ है साल का, वो फिक्स है, 5% या 7% बढ़ती है, प्राइवेट में कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइफ को, तगड़ा घूमना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो अच्छे तरीके से, गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे लिए या पब्लिक सेक्टर जॉब तुम्हारे लिए नहीं बने, याद करना। लेकिन इस पब्लिक सेक्टर को छोड़ के अगर आप प्राइवेट में एंटर करते हो, बहुत तगड़ा जंप मिलता है तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल सेक्टर की कोई कंपनी छोड़ के आईओसीएल ज्वाइन कर लिया, एचपीसीएल ज्वाइन कर दिया, जेएल ज्वाइन कर लिया, 2-3 साल काम किया, फिर मारो प्राइवेट में स्विच, जो पैकेज यहां पे 20 लाख है ना, वो कम से कम 50-60 लाख मिलेगा तुम्हें। तभी तो मैं बात कर रहा हूं कि इमीडिएट कंपैरिजन मत करना, 5-7 साल के बाद कंपैरिजन करना अपना। और रीजन जान गए क्यों मिलेगा, क्यों तुम्हें कोई 50-60 लाख देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को ये बच्चा गेट भी क्वालिफाई करके आया है, इसने पब्लिक सेक्टर का इंटरव्यूज वगैरह वो भी क्रैक किया है, इसने 2-3 साल वहां पे पूरा मेहनत भी किया है, ट्रेनिंग भी हुई है उसका बहुत अच्छी तरीके से। आपको क्या लगता है कि पब्लिक सेक्टर में ट्रेनिंग अच्छी होती होगी या प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग अच्छी होती होगी? पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती है ट्रेनिंग के लिए, प्राइवेट में इतना नहीं लगाते, क्योंकि प्राइवेट को लगता ये है कि इसको पता नहीं है कब छोड़ के चला जाएगा, समझ रहे हो मेरे पॉइंट। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा सोचता नहीं है, गवर्नमेंट इतना नहीं सोचती, मतलब कि ठीक है इसने ज्वाइन किया तो सोच के किया होगा, रुकेगा ये। तो वो पैसा आपको जो देगा 50-60 लाख, वो तुम्हारी ब्रांड वैल्यू के, तुम्हारे जो तुमने एक्सप्लोर किया है 2-3 साल, जो तुम्हारे लर्निंग की है, जो तुम्हारा ट्रेनिंग की है, उसको लेके हुआ है, वो दे तब देगा तुम्हें पैसा। वो तरीके हैं अलग अलग वो पहुंचने के उस लेवल पे। और आज के टाइम पे 25-30-50 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटी सी चीज है। 8-10 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं 8-10 लाख, सोचो बड़ा। लेकिन उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी अपनी ब्रांडिंग, स्पेशलाइजेशन, एक्सपोजर करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने आप को, तो कोई आपको पैसा देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो गेट पेपर, आई थिंक थर्ड ईयर में मैंने आपको बता दिया कि थर्ड ईयर में अगर तुम्हें पेपर देने तो ट्राई करना ऐसा पेपर उठाना। और थर्ड ईयर में अगर आप हायर स्टडीज डोमेन को देख रहे हो, और जो मैं हर किसी को रिकमेंड कर रहा हूं कि हायर स्टडीज डोमेन में तुम्हें जाना चाहिए, टारगेट करो आईआईटीज एनआईटीज टारगेट करो। अभी एनआईटी में पिछले साल हमारा एक बच्चा का सिलेक्शन हुआ था एमटेक के अंदर, एमटेक इन वीएलएसआई, 38 लाख का पैकेज लगा उसका, 38 लाख का इंटरव्यू पड़ा उसका, इंटरेक्शन पड़ा यूआरपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, सुन लेना उसको। और इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट था वो, बहुत ऑर्डिनरी कॉलेज का स्टूडेंट था वो। और एनआईटी कुरुक्षेत्र में क्यों एग्जांपल ले रहा हूं,
क्योंकि हायर स्टडीज डोमेन के लिए मास्टर्स के लिए एनआईटी कुरुक्षेत्रा, हमीरपुर या आपका जलंधर, ये बहुत लीस्ट प्रायोरिटी पे रहता है हर किसी के, बहुत लीस्ट प्रायोरिटी पे। अगर वहां पे तुम्हें 38 लाख का पैकेज मिल रहा है, सोचो जब वही कंपनी किसी साउथ की एनआईटीज में जाएगी, जब आईटी पे जाएगी तो कितना पैकेज आपको देगा, वो तो उसका कोई सोचना ही नहीं है। लेकिन उससे पहले वाला पार्ट कंप्लीट करो कि अगर सपोज मेरे को बीटेक के बाद जॉब लेना है तो कम से कम बीटेक तो मेरे को करनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मेरे को मास्टर्स के बाद अच्छा पैकेज लेना है तो मेरे को ये चीजें तो करनी पड़ेगी ना जो मैंने आपको बताया, सिंपल सा चीज है। अच्छा, अब मल्टीपल पेपर देने के फायदे, थर्ड ईयर में पेपर देने का फायदा ये होगा, देखो थर्ड ईयर में जैसे आप सिक्स सेमेस्टर में हो भी आप, सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर में हो ना, हाँ फिफ्थ में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो सिक्स सेमेस्टर में आप पेपर देते हो, फरवरी के पहले दो वीकेंड्स हैं वो फिक्स होते हैं गेट एग्जाम के लिए, तो फरवरी में पेपर दोगे तो थर्ड ईयर वाले उसको इमीडिएट यूज नहीं कर पाओगे, आप उस स्कोर को अगले साल यूज कर सकते हो और अगले साल फिर से पेपर दे सकते हो, और जो आपके पास बेस्ट स्कोर बनेगा ना उसको यूज कर सकते हो। आपने पूरा साल मेहनत किया, आपने आज डिसाइड कर लिया ठीक है सर मैं गेट का तैयारी कर रहा हूं, कितनी देर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी चार महीने है सर, कर सकता हूं मैं? यस कर सकते हो। सर कितना स्कोर चाहिए आईटी में एंटर करने का? डिपेंड करता है तुम्हारी सीजीपीए कैटेगरी के ऊपर, अदरवाइज मेयर क्वालिफाई करने पे 25 28 30 नंबर लाने पे भी तुम आईटी में एंटर कर सकते हो, जितना अच्छा स्कोर लेके आओगे उतना बेटर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, समझ रहे पॉइंट को? ये चीज इस तरीके से सोचना है। अब बेस्ट, अब चार, अच्छा क्यों देने हैं मल्टीपल एग्जाम, क्यों देने हैं सर मल्टीपल एग्जाम? देने का फायदा ये होता है, थर्ड ईयर में भी दो, फाइनल ईयर में भी दो, दो पेपर भी दो, अगले साल फिर से दो, और बेस्ट उसका यूज करो, क्योंकि तुम यार पूरी सारे साल तुमने मेहनत की और वो शायद वो तीन घंटे ना शायद तुम्हारी लाइफ के अच्छे नहीं थे, हो सकते हैं तुम उस दिन बीमार हो गए, या तुम्हारा जो सबसे स्ट्रांग पार्ट था जो तुम्हारा सब्जेक्ट तुमने उसके क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए और वो तुमसे नहीं लगे, तुम्हारा मोराल बहुत डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा, तुम बहुत गलतियां करोगे, कर सकते हो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा करोगे, कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है वो पूरे चार महीने की मेहनत या पूरे साल की मेहनत तीन घंटे के बेस पे डिसाइड नहीं होनी चाहिए यार, तुम्हें अपनी, इसका दूसरा तरीका क्या है कि अपने चांस बढ़ा लो, थर्ड ईयर में भी पेपर दो इसका स्कोर जो आ गया, फाइनल में भी पेपर दो इसका भी स्कोर आ गया, फिर जब तुम अप्लाई यूज करना यूज करोगे तो उसका बेस्ट यूज करो, तो ऐसे तुम अपने चांस बढ़ा सकते हो, समझ गए पॉइंट? किस डोमेन में पेपर देना चाहिए वो भी मैंने आपको कवर कर दिया कि अगर आप हायर स्टडीज डोमेन देख रहे हैं और जिस डोमेन में देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं उसमें, जैसे अगर आप सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में पेपर देंगे तो आपकी जो कोर डोमेन्स हैं पावर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका पावर सिस्टम, उस डोमेन में नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि वो तो तुमने गेट में पढ़ के ही नहीं आए, समझ रहे हो पॉइंट? ये सिंपल आप खुद ही रिलेट कर सकते हो कि अगर तुम डाटा साइंस एआई से पेपर दे रहे हो, ऑब्वियस है तुम यार एलिजिबल नहीं होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करने के लिए, तुम अप्लाई ही उस नॉन कोर डोमेन में कर सकते हो, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में कर सकते हो, समझ रहे हो पॉइंट? इस तरीके से करना है हमें इस चीज को। तो ये मेरे को लग रहा है मैंने आपको सारा कवर किया है इस चीज के लिए। ये कुछ स्पेशलाइज्ड डोमेन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, वीएलएसआई, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन, आरएफ एंड माइक्रोवेव कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, पावर एनर्जी। ये जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है ये आपकी कोर है, जो राइट साइड पे लिखी हुई है ये आपकी इंटरडिसिप्लिनरी है, डाटा साइंस, एआई, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, मेकाट्रॉनिक्स, ई व्हीकल्स, एरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी में आप लोग एंटर कर सकते हो, एनर्जी के अंदर आप तुम डोमेन में एंटर कर सकते हो, मटेरियल साइंस में, अर्थ साइंस में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत बड़ा डोमेन है, कोई भी ब्रांच का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, जो राइट साइड पे लिखी हुई है ना वो है जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी है ये सारी की सारी, समझ रहे चीज? ऐसे और ये तो मैंने रफली लिखी है, ऐसे बहुत ऑप्शंस हैं। एरोस्पेस, एरोस्पेस आईटी कानपुर में है, आईटी मद्रास में है, आईटी दिल्ली में है, आईटी गुवाहाटी में है, इन चार ऑर्गेनाइजेशंस में है एरोस्पेस के लिए, बोइंग और एयरबस जैसी कंपनीज आती है वहां पे प्लेसमेंट के लिए, 40-40, 50-50 लाख के पैकेज, या 40 लाख को तुम डॉलर में कन्वर्ट करो, उनके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है क्योंकि उनके लिए तो डॉलर्स में जानी है ना, यहाँ की बेस्ड कंपनी थोड़ा ना है, यहाँ की बेस्ड कंपनी होगी वो उसको देने पड़ेंगे पैसे रुपीज के हिसाब से, अदर उनके लिए तो डॉलर के हिसाब से तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, समझ रहे हो? ये है स्पेशलाइज्ड डोमेन्स जो मैंने आपको बताया। सो दिस इज अ लिंक, इसको आप स्कैन कर लो सारे, ये बेसिकली हमारे प्लेटफॉर्म का लिंक है योरपीडिया का, इसको फॉलो करना स्टार्ट करो, दो तीन प्लेटफॉर्म है, इंटरव्यूज वगैरह के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, जीडीजीटी के लिए अलग है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के लिए अलग प्लेटफॉर्म है,
और एक चीज मैंने और करनी है, जैसे मैंने आज आपको चीजें बताई हैं जितनी भी, राइट, ये मेरे को पता, भूल जाओगे या नहीं भूलोगे। अब उसको याद रखने के दो तीन तरीके, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, कैसे होगा। एक तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सारा हमारे यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा, इंजीनियर्स करियर पॉइंट वाले चैनल पे, ठीक है। मैं लिंक आप लोगों को सभी के साथ शेयर कर दूंगा, पहला चीज, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको इन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना है सो देट कि तुम्हें चीजें याद रहे, पता रहे भी क्या चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है। तीसरा चीज, मैं आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा, मैं ये जो आपने कॉन्टेक्ट नंबर दिए है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, उसमें मैं आपको ऐड करूंगा। उसका क्या बेनिफिट होगा, उसमें मैं रेगुलर आपको मेंटरिंग करते रहेंगे, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, डॉक्टर विजेंद्र हैं, मैं हूं, या जो राहुल है जो फॉरेन के लिए गाइड करते हैं, हम लोग रेगुलर आपको वहां पे गाइडेंस देते रहेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज निकलता रहेगा वो सारा वहां पे आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक है। कोई भी गाइडेंस होएगा, कोई भी चीज होगा, आप लोगों से डिस्कस कर, मतलब हम लोग से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, राइट। नाउ एंड में कोई भी आप लोगों का कोई क्वेरी है, कोई भी छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेरी है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हेजिटेट मत करना क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही मुश्किल से आता है, और जो पहला उठ के क्वेश्चन पूछता है वो ब्रेव होता है, उसको ब्रेव बोलते हैं, है ना। उसके बाद तो फिर पूछते रहोगे आप लोग। चीजें समझ में आई है कुछ या नहीं आई है, लगा कि नहीं लगा पता कुछ है? किस तरीके से आपको अपने आप को आगे प्रोसीड करना है अपनी लाइफ के अंदर, उस तरीके से सोच के चलना है इसको। पूछिए जो भी आपका क्वेरी है। गेट का प्रिपरेशन कोई कर रहे हैं वैसे? ऑलरेडी है कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई आप लोगों में से? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हो। अच्छा, एक और पता क्या हो गया आजकल, मैं जो देख रहा हूँ, स्पेशली कोविड के बाद जब हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, पहला कोविड से पहले क्या होता था, जब हम प्रेजेंटेशन में जाते थे ना, तो मैं किसी को पूछता था गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब बहुत प्राउडली हाथ रेज करते थे कि हाँ मैं कर रहा हूँ सर गेट का प्रिपरेशन में। आजकल क्या हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे दो तीन लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और मैं उनको पहचान भी चुका हूँ, आंखों से पता चल जाता है गारंटी के साथ। और पता नहीं अब क्या ट्रबल हो गया, वो हेजिटेट करते हैं ये बताने की मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पता नहीं क्या रीजन है उसके पीछे। चलो कोई बात नहीं, हो लेकिन मैं आप लोगों को सभी को ये चीज सजेस्ट करके जा रहा हूं, गेट का तैयारी करो, अच्छे तरीके से तैयारी करो, मेहनत करो, दो चार साल लगाओ यार सेटलमेंट करने में अपनी लाइफ में, तो अच्छी लाइफ लीड कर पाओगे। आपकी जो आने वाली जनरेशन है यार, तभी आप वो उस चीज का बेनिफिट ले पाएगी, उनके बारे में सोचो। आपकी तो चलो जितना 20-22 साल की एज तो निकली गई ऑलमोस्ट, लेकिन सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। कोई भी क्वेरी किसी तरीके का? हाँ जी सर, हाँ मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ सभी से, बैटरी। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है वो तैयारी कैसे कंटिन्यू करें, कैसे कर सकते हैं। थर्ड ईयर फाइनल ईयर वालों ने तो इमीडिएटली स्टार्ट करना है तैयारी। फर्स्ट ईयर देखो, गेट की तैयारी करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, स्पेशली फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में चल रहे हैं ना, एक प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन का बुकलेट मंगवा लो, प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन बुकलेट मंगवा लो, जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, कंट्रोल सिस्टम को ढंग से पढ़ो, पहले तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, नोट्स ठीक है एक चीज है, यूनिवर्सिटी है, मेरे को पता नोट्स में से पेपर आता होगा, लेकिन स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट करो। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं गेट के, ये स्ट्रेटेजी मैं अभी एक और देके जा रहा हूं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट के, कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने 10 बार हाथ से लगा लिया ना एग्जाम में जाने से पहले, तब भी आप गेट में 35-40 इजीली ले सकते हो, एक स्ट्रेटेजी। दूसरा स्ट्रेटेजी, पूरा सिलेबस कवर करने का ट्राई मत करना, अभी पूरा सिलेबस नहीं होगा, 50-60 नंबर का फोकस करो, मैथमेटिक्स तैयार करो, क्वांट तैयार करो, रीजनिंग तैयार करो, इंग्लिश तैयार करो, अपने कोर सब्जेक्ट तैयार करो, कंट्रोल सिस्टम तैयार करो, नेटवर्क तैयार करो, इलेक्ट्रिकल मशीन तैयार करो, पावर सिस्टम तैयार करो, एनालॉग तैयार करो, 5-6 सब्जेक्ट तैयार कर लो, मतलब 50-60 नंबर का तैयार कर लो, और ट्राई करो उसमें से 35-40 नंबर लेके आने का, इजीली आप एंटर कर जाओगे आईटीएस के अंदर। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए सबसे पहली चीज है, जैसे मैंने आपको बताया ये कंसेप्चुअल एग्जाम है, तो कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे तो उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ उतना सा लिखना है कि जिसमें रिवाइज करके आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सको। शॉर्ट नोट्स कंट्रोल सिस्टम के 10-12 पेज से ज्यादा नहीं बनेंगे, अगर नोट्स पूरा बनेंगे तो इतनी मोटी कॉपी बनेगी, अदरवाइज 10-12-15 पेज में आपका पूरा कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा शॉर्ट नोट्स, उसमें कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, कोई आपने थ्योरी नहीं लिखनी, उसमें उतना सा पार्ट लिखना है कि जिससे आपने रिवाइज किया, रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए।
ये चीज करनी है। तो जो सब्जेक्ट कॉलम आपके साथ चलते जा रहे हैं वो आप लगाने स्टार्ट कर दो, उसके प्रीवियस ईयर लगाने स्टार्ट करो, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना स्टार्ट करो। स्टैंडर्ड बुक्स का दूसरा बेनिफिट होता है इंटरव्यूज के अंदर, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इस चीज का इंटरव्यू में, क्योंकि वो आपसे उसका अप्रोच वहां पे आपका क्वेश्चन का नहीं होगा। गेट में तो क्वेश्चन का अप्रोच होता है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर तो आपकी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो जानने का ट्राई करता है। राइट, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेरी पूछो, पूछो पूछो यार, मतलब हेजिटेट मत करना कोई भी क्वेरी पूछते हुए, हेजिटेट मत करना कि कोई क्या सोचेगा या क्या बोलेगा। अच्छा एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं कि जो आप लोगों ने आप पूरी प्रेजेंटेशन में आपको जो भी चीजों लगता है कि हाँ कि ठीक है सर ने कुछ बताया या कोई चीज मेरे दिमाग में इंपैक्ट किया है, हिट किया है और मेरे को वो करना है, उसको कहीं ना कहीं जाके लिख लेना यार, अपनी कॉपी में घर पे कहीं पे जाकर लिख लेना और उसको डेली देखना, आपने डेली देखना है कि मैंने ये टारगेट लिया हुआ है, डेली देखना है, डेली देखना ही देखना है। एक बार देख लेना कि हाँ मैंने लिखा हुआ है कि पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड, या मैंने लिखा हुआ है एमटेक फ्रॉम आईआईटी, या मैंने लिखा हुआ है कि आईएसआरओ जाना है, या मैंने लिखा हुआ है मैंने स्टेट एई का जॉब लेना है, उसको लिख लेना एक बार, लिख लो और उसको डेली देखते रहो, डेली देखते रहो तभी दिमाग में रहेगा। और दूसरा एट द एंड ऑफ द डे दिन में एक बार अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर किया करो कि यार ये जो 24 घंटे पिछले निकले हैं जस्टिफाइड हैं मेरे लिए, किसी और का तो छोड़ो, सोचो छोड़ दो उसको, लेकिन क्या ये मैंने जस्टिफिकेशन किया है अपने आप अपने अपने लिए, क्या 24 घंटे जस्टिफाइड हैं जिसमें मैंने इंजॉयमेंट भी किया, कॉलेज भी लगाया, पढ़ा भी, सब कुछ किया, क्या वो जस्टिफाइड है, मैंने वेस्ट तो नहीं कर दिया कुछ टाइम, या मैंने कहां पे वेस्ट किया, किस टाइम को मैं और यूटिलाइज कर सकता था अपनी तैयारी के लिए। समझ रहे भाई, इस तरीके से करना स्टार्ट करो। राइट, एनी अदर क्वेरी? हाँ जी, हाँ ये ट्रबल तो देखो है, ये ट्रबल तो है, नो डाउट यहाँ पे रोल आता है कोचिंग्स का, यहाँ पे रोल आता है कोचिंग्स का कि जहां पे जब टीचर पढ़ा रहा है वो आपको उतना सा कंटेंट पढ़ा रहा है जितना तो रिक्वायर्ड आपके एग्जाम के लिए, नो डाउट। मैं देखो आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं इसका आंसर कर रहा हूँ, अदरवाइज वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर गेट, जिसमें पूरे इंडिया का बच्चा हमारे साथ तैयारी करता है अलग अलग चीजों में, जिसमें गेट का प्रिपरेशन भी आता है, गेट के बाद का काउंसलिंग भी आता है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, स्टेटमेंट पर्पसेस, इंटरव्यूज, वो सारी चीजों का हम लोग तैयारी करवाते हैं। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, मैं आपको एड्रेस भी दिखा दूं, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, और बहुत बच्चा हमारे पास आता भी है, बहुत दूर दूर से बच्चा आता है, चाहे वो ऑनलाइन कर लो चाहे वो ऑफलाइन कर लो, आप लोग कर सकते हैं, और रेगुलर बैचेस वगैरह उसमें चलते रहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन का अगर मेरे को आंसर करना है, अगर आपको ये ट्रबल आ रहा है, देखो एक चीज मैं क्लियरली बता रहा हूँ, एग्जाम निकलेगा सेल्फ स्टडी से, आप किसी के नोट्स भी लेके बैठ जाओगे ना, आपको बहुत शॉर्ट नोट्स भी दे दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिया, जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं समझोगे नहीं एग्जाम नहीं निकलेगा। कोचिंग का बेनिफिट ये होता है कि वो आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको चीजें करवाते हैं, फिर आपको सिर्फ उतना सा ही पढ़ना होता है। यहाँ पे आपका जो आंसर ये है कि आपको किसी को फॉलो करना चाहिए और उसको प्रोसीड करना चाहिए अकॉर्डिंगली, इसका आंसर ये मिलेगा। अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे पड़ जाओगे तो शायद उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। बाकी जो आपका क्वेश्चन है कि हमें यही नहीं पता मेरे को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, राइट, क्या पढ़ना है वो पता लग जाए वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन टाइम वेस्ट कहां पे होता है कि क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि जो गेट के एग्जाम में आता है वो उसमें जो ज्यादा अप्रोच होती है वो न्यूमेरिकल्स वाला होता है, लेकिन कंसेप्ट तो थ्योरी पढ़ के बनता है, लेकिन नोट्स में कितना का लिखना है क्या करना है वो कोचिंग से ही सॉल्व होगा उसका आंसर, राइट, या कहीं से नोट्स अरेंज कर लो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, पीवीसी लगाना स्टार्ट करो, देखो अगर पीवीसी लग रही है पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये है, राइट, एनीवन, एनी अदर क्वेरी? आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का? एनी अदर क्वेरी? चलो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत पेशेंटली आप लोगों ने चीजें सुनी है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे इस सेशन का आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, और मैं उम्मीद करूंगा। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, यार एग्जांपल्स आप लोगों को सेट करनी है, किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना है, आपका कॉलेज कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि आप लोग हायर स्टडीज ना करो या अच्छे पैकेजेस ना लेके आओ। जिस दिन आप लोगों में से किसी का एमटेक में सिलेक्शन होगा ना आईआईटी के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका कॉलेज बाहर आपकी फोटो बड़ी करके लगाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और वहां से उसके बाद जब आप हाई पैकेजेस लेके जाओगे तो वो लगाएगा कि हाँ जी कि ये बच्चा यहां से बीटेक किया है, फिर इसने एमटेक आईटी से किया और इतने पैकेज ले गया है, आपका कॉलेज प्राउडली आपकी फोटो बाहर लगाएगा।
और ये चीज भी अगर आप करना चाहते हो ना, तो यार इनिशिएटिव किसी ना किसी को करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और रेट रेस आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो नेसेसिटी है हर किसी का। सीटें खाली रह रही हैं वहां पे, सीटें खाली पड़ी हैं वहां पे, राइट। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।